कानपुर नगर। कानपुर के कंगी मोहाल के निवासी शमसुद्दीन 28 साल बाद पाकिस्तान से वापस। कानपुर पंखी मूल निवासी शमसुद्दीन जो 28 साल पहले पाकिस्तान घूमने की नियत से गए थे लेकिन वहां पर आतंकवादी बताकर गिरफ्तार कर लिए गए। 28 साल की मेहनत के बाद शमसुद्दीन आज कानपुर अपने घर कंगी मोहाल पहुंचे जहां पर उनके परिवार और उनके घर वालों की खुशी देखने वाली थी। मौके पर प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। अब देखना यह है कि 28 साल के बाद आए शमसुद्दीन को किस तरीके से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और कानपुर का प्रशासन देखता है। कहीं यह तो नहीं कि पाकिस्तान ने इनको अपने एजेंट बनाकर भेजा है, यह जिस्म के अंदर कोई चिप लगाकर भेजी हो जिससे इसे पाकिस्तान को हिंदुस्तान की खुफिया बातें पहुंचाई जा सके। आइए चलते हैं, खुद सुनते हैं उनकी जुबानी। इसी के साथ नई अपडेट खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्राइम ब्यूरो चीफ फैसल इराकी जी की खास रिपोर्ट। जी मेरे भाई हैं वो। कई सालों बाद आ रहे हैं जी? काफी सालों के बाद लौट के आए हैं। आपको इतने सालों बाद आ रहे हैं, आपको परिवार में क्या महसूस? जी बहुत खुशी हो रही है, वो तो आप सबको दिख ही रही है कि सबको ही खुश है। घर के तो हैं खुश, महल्ले के भी सभी लोग खुश हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं सब। कई साल बाद आ रहे हैं जी? 28 से 30 साल के बाद आ रहे हैं। 28 से 30 साल बाद जी। जब वो गए थे हम बहुत छोटे थे इसीलिए ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। क्या शुभ नाम है? शमसुद्दीन। कई साल बाद आपने अपने इंडिया है? 28 साल बाद आया हूँ। 28 साल बाद जी। तो पाकिस्तान आप कैसे रहते हैं? बस सर थोड़ा सा नाराज़गी की वजह से मैं चला गया था और फिर उसके मैं यहाँ से घूमने के लिए गया था अपने दोस्त के एड्रेस पे। आए थे मेरे को एड्रेस दे के गए थे, हमारी दोस्ती आ रही हुई थी, उन्हीं के एड्रेस पे चला गया था। अच्छा तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो आपको वहाँ बंधक बना दिया गया था? ये तो 2012 की बात है, मैं पासपोर्ट जो है रिन्यू कराने के लिए गया था, फिर मेरे को शक की बुनियाद पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। क्या क्या शक की बुनियाद पर? कि तुम इंडियन हो। तुम इंडियन हो? आप आए यहाँ पर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं अपने अपने मुल्क में आ गया, अपने लोगों में आ गया, अपने घर वालों के पास आ गया। हमारे को सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है आज। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.